अस्सलाम वालेकुम। द मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रकरण नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए, उसका आज हम आगे का अभ्यास करेंगे। लेखक अपने जीवन में घटी दूसरी घटना के बारे में कहते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, यानी एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था यानी मुसाफिरी कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी, यानी बस के इंजन में कुछ खराबी थी, इसलिए बस जो है वह थोड़ी आगे चलती और फिर रुक जाती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले, गंतव्य स्थान यानी स्टेशन जहाँ पहुँचना है वह जगह के गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी गंतव्य से यानी स्टेशन से पहले पहुंचने से पहले 5 मील दूर निर्जन सुनसान जगह पर बस जो है वह रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, यानी रात के 10 बजे का वक्त हुआ होगा। बस में बैठे हुए यात्री डर गए। कंडक्टर बस का जो कंडक्टर था वो ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, यानी कंडक्टर जो है वह बस के ऊपर चढ़ा और एक साइकिल लेकर जो है वह वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हो गया, लोगों को शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा सकता है, यानी कंडक्टर साइकिल लेकर वहाँ से चला गया तो लोगों को ऐसा लगा कि हमें जो है वह यहाँ धोखा दिया जा सकता है, धोखा दिया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, यानी बस में बैठे हुए मुसाफिर जो है वह अपने आप में तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, डकैती यानी डाकू लूट लेते हैं, 2 दिन पहले इसी तरह बस को लूट लिया गया था, यानी 2 दिन पहले ही इसी तरह से बस को खड़ा रख कर जो है वह लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, यानी परिवार के साथ मैं अकेला ही था, यानी दूसरे जो है वह अपने परिवार दूसरे मुसाफिर जो है वह परिवार के साथ नहीं थे, परिवार के साथ मैं अकेला ही था। लेखक कहते हैं बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, बच्चे भी प्यासे थे और वो पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं भी ठिकाना न था, सुनसान जगह थी, पानी भी कहीं उपलब्ध हो ऐसी जो है वह अवस्था नहीं थी। लोग बच्चे जो है वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था और आदमियों के द्वारा कही गई बातों के कारण लेखक कहते हैं कि मेरे में भी डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का मन बनाया, ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी ड्राइवर का चेहरा जो है वह डर से लाल हो गया, जिसका लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से यानी डरी हुई निगाहों से मेरी ओर देखने लगा और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। लेखक किसे इस प्रकार की बात कहता है ड्राइवर। लेखक कहते हैं कि डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी डरी हुई मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि उस ड्राइवर को मारना योग्य नहीं है, परंतु यात्री जो है वह इतने डर गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, ये ड्राइवर जो है वह धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। इस प्रकार जो है वह लोगों ने बातें की। लेखक कहते मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक कहते हैं कि ड्राइवर को मैंने लोगों से मारने से बचाया और 1.5-2 घंटे का समय बीत गया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए बेचैन थे, व्याकुल यानी बेचैन थे। मेरी
और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा था। यानी ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर बस के ड्राइवर को जो है वह घेर रखा था। यानी कोई भी दुर्घटना होती है, अगर डाकू आते हैं या कोई भी दुर्घटना होती है, तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। यानी कोई भी अगर दुर्घटना घटती है, तो पहले ड्राइवर को समाप्त करने का जो है वो उन्होंने उचित लगा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो एक खाली बस आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। यानी उस बस पर जो है वो हमारा कंडक्टर, बस का कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा अड्डे से, अड्डा यानी स्टेशन से, बस स्टेशन से, नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। और वह बस चलाने लायक नहीं है। और कहता है कि वह बस जो है वह चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला। लेखक कहते हैं कि फिर वह कंडक्टर मेरे पास आया, उसके हाथ में लोटा था, एक उस लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और कहने लगा, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। यानी यात्री जो है वो भी थोड़े घबराहट से बाहर आए, सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से जो है वो लोगों ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही बस लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। यानी 12 बजे से पहले ही सभी लोग जो है वह बस स्टेशन पर पहुंच गए। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मानवता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक के जीवन में बनी ऐसी दो घटनाओं के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि कैसे कहूँ कि लोगों में इंसानियत खत्म हो चुकी है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया जैसी जो है वह दया माया जैसी चीज रही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुए जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि ऐसी अच्छी घटनाएं मेरे जीवन में कई हुई है, मानवता की घटना जो हुई है वो मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेखक कहते हैं कि मुझे ने लोगों ने ठगा भी है, विश्वासघात किया है, पर यह ऐसी बातें जो है वह कुछ ही जगह मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो कि जीवन में उन्हीं बातों को याद रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि अगर ऐसी ही बातों को हम याद रखते रहेंगे कि जिनमें धोखा खाया है, तो हमारा जीवन जो है वह कष्टमय हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक कहते हैं कि ऐसी भी घटनाएं ज्यादा है, बिना कारण लोगों ने लोगों की मदद की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, यानी निराश मन को उत्साह दिया है, हिम्मत दी है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजों तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। कि मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम वह गलत हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यह पाठ जो है वह यहाँ समाप्त होता है और हम आगे जो है वह आगे के जो कविता या पाठ जो होगा उसका हम अभ्यास करेंगे। नमस्कार।